तो मिलते हैं संदीप सिंह जी से। संदीप सिंह जी कहाँ से आप आए? पंजाब से। क्या होता है आपको, पंजाब में ही आप रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं? बाहर रहता था, पंजाब से भी मैं बाहर। पंजाब से बिलोंग करते हो, बाहर आप रहते हो, बाहर कौन सी कंट्री में आप रहते हैं? इटली में रहते हैं। इटली में रहते हैं। क्या हुआ था आपको कि मनु भैया के पास आने की आपको जरूरत पड़ गई? बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत से मलिन विचार आते थे। मलिन विचार आते थे और कई तरह की प्रॉब्लम थी। और मुझे कमर की बहुत प्रॉब्लम थी। कमर में क्या प्रॉब्लम थी? जैसे कहते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम थी। हाँ। और जो मनके हैं उनमें मांस बन गया था। मांस बन गया था, ये बात किसने बताई आपको? डॉक्टर ने बताई है। तो उस मांस बनने से हो क्या रहा था आपको? जैसे मेरे बाजू सो जाती थी। हाँ। पैर सो जाता था। हाँ। तो नीचे नहीं झुक पाता था सारा दिन। कैसे नहीं झुक पाते थे? जैसे नीचे नहीं झुक पाता था। हाँ, अब भैया हो रहा है। अभी दर्द कितना हो रहा है आपको बताइए? थोड़ा सा दर्द है। कितना सा? जैसे है अभी थोड़ा सा। मगर कितना महसूस करते हैं, मतलब जो दर्द था उसका कितने परसेंटेज के हिसाब से? 20% रह गया। 20% रह गया, क्यों रह गया बताइए आप? हमने कुछ किया? आपका हाथ सो रहा है? अभी नहीं सो रहा। बाजू सोती है? नहीं, यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल। यहाँ पर आने के बाद से आप ठीक होते आ रहे हैं? मलिन विचार भी आते हैं? बहुत कम हो गए। बहुत कम हो गए, ना के बराबर हो गए। जब आपने चेक कराया था हर्ष भैया को तो क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि मेरे ऊपर कोई बुरी चीज है। इसका मतलब निगेटिविटी होती है? हाँ जी। ये हमने निकाल के दिखा दिया, तो बताने के बाद निकाल के दिखाना, ये बुरी चीज को बाहर करके दिखाना बहुत बड़ी बात है कि नहीं? संदीप सिंह जी, आप मनु भैया के बारे में क्या विचार रखते हैं? सच्चा दरबार है, यहाँ पर सभी दुखी आए और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करे। और ऐसे मनु भैया के हाथ से पिटके नहीं गए। एक मेरा क्वेश्चन भी है, आप बाहर रह के आए हो यूरोप में, है ना, कितने साल? मैं 9 साल। 9 साल कोई थोड़ा सा मैं नहीं होता क्या? वहाँ पे भूत प्रेत नहीं होते? होते हैं, सभी जगह होते हैं। नहीं, मेरे पास तो कमेंट आते हैं कि सारे प्रेत हिंदी क्यों बोलते हैं, ये तो भारत में ही भूत प्रेत होते हैं। जो भारत से नहीं निकला उसको कैसे पता बाहर होते हैं नहीं होते? सोच है, मानो तो सब कुछ है, अगर नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी। और जब आप गए नहीं कहीं तो आपको कैसे पता चलेगा बाहर है कि नहीं? सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान दुखी है, पाकिस्तान में हर मजार पे भूत प्रेत निकल रहे हैं, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं भी। बांग्लादेशी कितने आते हैं हमारे पास? कई लोग बांग्लादेश से आए, कई बच्चे बांग्लादेश से आए। बहरहाल मैं माता जी से बात करूंगा। अफगानिस्तान से भी आया है, ईरान से भी आया था, ईरान से भी, अफगानिस्तान से भी और बांग्लादेश से भी, और इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल से भी बहुत लोग मेरे पास। और आप अफगान से? मुझे माता ये बताइए, आपको दर्द तीन पर मारो की ऑनलाइन भी कराया? ये कमर में दर्द है, बेटे को कमर में दर्द था, माँ को कमर में दर्द है, और ये दर्द इसका मतलब क्या है आपको? क्या खुजली होती है? खुजली होती है। एक हाथ में होते में खुजली होती है। इतना बारीक जो दर्द रहता है ये किसके कारण रहता है? प्रेत के कारण नहीं रहता, ये पितरों के कारण रहता है। प्रेत से भी दर्द तो होते हैं सारे शरीर में, लेकिन पितर जो है वो बहुत ही गहन दर्द होते हैं, दर्द देते हैं, क्योंकि वे कदीमी से हमारे घर में रहते हैं और मरे हुए हैं। हम उनको जो खिलाते हैं उससे उनकी मलिनता और बढ़ जाती है, क्योंकि हम जो उनको खिलाते हैं वो भोजन बना के खिलाते हैं। हम उनको हवन के जरिए उनको शुद्ध नहीं करते, हम उनको मंत्रों के जरिए शुद्ध नहीं करते, हम उनका बस तर्पण करते हैं, और उस तर्पण को जो लेते हैं वो, अगर वो पितृ है सही मायनों में और अगर वो देव स्वरूप है तो वो तर्पण को लेकर जो है ना तर्पित हो जाते हैं, तृप्ति हो जाती है उनकी। लेकिन अगर वो हमारे सही मायनों में पितृ नहीं बने हैं तो अगर हमने उनको कुछ खिलाया है तो उससे उनकी और मलिनता बढ़ जाती है, खा पी के वो और तंदुरुस्त होते हैं और हमारे दर्द शरीर में दर्द और बढ़ जाते हैं। बताइए अभी कहाँ दर्द है? बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए उधर शनिदेव को देखते हुए। हे शनिदेव महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके धाम में हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, आपके धाम में हूँ। मेरे शरीर में जो भी दर्द है अगर वे प्रेत से है, पितर से है, तो उनको अभी तुरंत हे महामंत्र, हे बीज मंत्र अपने में समाहित कीजिए। शनिदेव महाराज अपने में समाहित करें, यज्ञ कुंड में समाहित करें और मुझे सदा के लिए आजाद करें, आजाद कर दें। आप ये बताइए, आपने ये दर्द डॉक्टरों को दिखाया? आइए। नहीं, क्यों नहीं दिखा रहा? कहाँ होता है? यहाँ एग्जैक्ट होता है, जहाँ मैंने लगाया हुआ है। जा, ये ऊपर हाँ, की तरफ की, थोड़ा नीचे, नीचे नहीं, ये छोटा छोटा। हाँ। अभी हो रहा है? अभी तो कम है। कितना कम हो? कम है, अभी तो हल्कापन लगता है। कितना हल्कापन लगता है? क्या आप नहीं कर पाते थे ये बताइए? बहुत दर्द पड़ता था आप? अरे मैंने सबको रामदेव बना के छोड़ देना, नहीं झुका नहीं जाता था। खुजली भी बहुत होती है। कहाँ होती है बताइए जी? अब बोले, जो खुजली करता है जो खुजली करता है और जो मुझे दर्द करता है,
जो मुझे दंत करता है। हे महामंत्र, हे महामंत्र, हे बीज मंत्र, हे बीज मंत्र, अपने में समाहित करो मुझे, अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से, चमत्कार से, चमत्कार से, हाँ पुरस्कृत करो और मेरे सारे दर्दों को गायब कर दो, मेरे सारे दर्दों को गायब कर। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो जो बीज है, जो महामंत्र है, यही एक मंत्र है न्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि की शरण लो, आप अपने देवता की शरण लो और देवता से न्याय की गुहार लगाओ और उसको बोलो कि हमें ये दर्द कभी ना हो। हमने जितने दर्द सहन किए हैं अब हम समझ गए हैं, निगेटिविटी होती है और उसको रिमूव करना मनु भैया जी का काम है। आइए अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, शरीर में दर्द कहाँ है? अब तो नहीं है, अब तो नहीं है, तो खुश हो गए। आपने अपने कमर के दर्द को डॉक्टर को दिखाया, बेटे को दिखाया? जैसे बेटे को दिखाया, मैंने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? मैं बहुत परेशान हूँ। आप ये सोचा कि मैं अपने दर्दों को तो पी लेती हूँ लेकिन बेटे के दर्दों को संभाल में, और बेटे के लिए तो सभी मरते हैं ना, बेटा है, बेटी है, तो अपने आप को आदमी दिखा लेता है, नहीं दिखाता है, और कई बार क्या सोचता है कि अपनी संतानों को ठीक कर दूं। मेरी तो जैसे गुजर गई वैसे गुजर गई, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि कहीं मनु भैया ने जन्म लिया है, वो हमें ये बात बता सकते हैं और हमारे दर्द को निकाल सकते हैं। जय शनिदेव बोलो। परिवार में भी बहुत क्लेश है, इसका परिवार भी इसके साथ नहीं है जी। देखो मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, मेरा जो कार्य है, मेरे कार्य से अगर आपके पितृ दोष से और दोनों पति पत्नी की लड़ाइयाँ होती हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और सदा के लिए एक हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, लड़कियां भी नहीं समझ पाती हैं, स्त्रियां भी नहीं समझ पाती हैं। कई बार वो जब दूसरे के घर में जाती हैं और उसके घर में पितृदोष होता है तो पितृदोष इतना गहन होता है कि वो पितृदोष जो है कभी भी उनकी पार नहीं पाने देता। वे पितृ सोचते हैं वहां बैठे बैठे हमें कोसते हैं, अच्छा भाई तू बहु वाला होगा, नहीं तेरी ऐसी तैसी। तो उस औरत के जो अभी अभी हमारे घर में आई है, उस बेटी के बहू के घर शरीर पर बैठ जाते हैं, मन बुद्धि पर कब्जा कर लेते हैं और फिर मनचाही कराते हैं और उसके घर से निकाल कर ही पीछा इसके लेते हैं। कहाँ पे नाम बताइए? जसविंदर सिंह। अभी के अभी फोन मिलाइए। हम साथ के साथ फोन मिला के और शनिदेव महाराज से प्रार्थना करेंगे इनके पिता के लिए, वो इटली में है अभी, और साथ के साथ उनको बताएंगे कि आपको आराम पड़ रहे हैं, कि आपको कोई ऐसी बीमारियां नहीं है आपके पूरे परिवार में, आपके पूरे परिवार में पितृ का दोष है, वो मनु भैया ने निकाल के दिखा दिया। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है और ना इस चीज का भय करना है कि आप मनु भैया के पास आयो और आपको भूत प्रेत है, आपका सर नहीं घूम रहा है, आपके अंदर एक कुपित वायु का छोटा सा गोला है, वो आपको परेशान कर रहा है, आपके परिवार को परेशान कर रहा है। हमें शर्माना है तो इस बात से शर्माना है कि हम इतने बड़े डॉक्टर के पास गए और वहां हम जाके ठीक नहीं हुए और मनु भैया ने साथ के साथ करके दिखा दिया। यहाँ पे कहाँ पे व्हाट्सएप? खैर बहरहाल इनका व्हाट्सएप बंद है, कोई बात नहीं, चाहे रेंज नहीं आ रही जैसे भी है तो वो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे कभी सरदार जी से। हो गया। रात को सोता है, सपने के अंदर बहुत आते हैं पर चेते नहीं रहते, सारी रात दिमाग दौड़ता रहता, बहुत थकान होती है, पूरी रात दौड़ते रहते हैं, वो घबरा, सभी चीजें निकल जाएंगी, समय लगता है। आप तीसरी बार आए और एक बार आएंगे आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना? तो आपको घबराना नहीं है, आप जहाँ आए हैं ये सोचिए इतना से कि आप बहुत अच्छी जगह आए हैं, बशर्ते आपका किराया भी लग गया है कुछ 2-4-10 हजार रूपये फालतू, तो आप ये मत सोचिए कि क्या कहते हैं आपको कुछ नुकसान उसका हुआ है। कहाँ से आप आए? पंजाब से आए ना? पंजाब से लुधियाने तो 20 किलोमीटर और जलंधर वालों के फगवाड़े के इलाके पे, तो कितने किलोमीटर पड़ गया यहाँ से? 400 के आसपास, कल शाम के 4 बजे के करीब किलोमीटर है। चार सौ खत्म कर दो, 50 लाख रुपये। आपकी कमर में दर्द है आप ये बताइए, कब से होता है? हो जाता, हट जाता, हो जाता, अब हम कितना चेर हो गया, उसको किसी ने पकड़ा ही नहीं, ये जगह छोड़ देता है फिर आ जाता है, जगह छोड़ देता है फिर आ जाता है,
उसको किसी ने पकड़ा ही नहीं, मैं वो सब तरफ घूम रहा है, कभी आपके पति में, कभी आपको, कभी आपके बच्चे को, इस तरह से वो घूम रहा है। लेकिन उसको घूमने नहीं देना है, हमने उसको पकड़ के आपका भोग ही इसलिए लिया है कि ताकि आपके दर्द खत्म हो जाए। जी उनका नाम बताइए, साहब का नाम बताइए। जसविंदर सिंह। थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। जय शनिदेव बोलो। जय शनिदेव बोलो। सच्चे परिवार की जय। सबसे अच्छे परिवार की जय। बोलो शनिदेव परिवार की जय। जय शनिदेव। जय शनिदेव। नंबर 3।